हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अवनी क्रिएशन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो बहुत ही अमेजिंग एंड सुपर इजी क्राफ्ट सप्लाइज। ये जो क्राफ्ट सप्लाइज होती हैं वो हर क्राफ्ट लवर को चाहिए ही होती हैं, लेकिन ये मार्केट में थोड़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो क्यों ना इन्हें आज हम खुद से बनाएं। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड इन द लास्ट बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसो बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेविकॉल, एम्प्टी कंटेनर, मेजरिंग स्पून, POP या फिर बेबी पाउडर, कोई भी टेलकम पाउडर भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर वाइट वॉल पुट्टी। इन तीनों में से जो भी आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और वाइट एक्रेलिक कलर। सो आज मैं जैसे बनाने वाली हूँ वाइट वॉल पुट्टी से, इसलिए पहले मैं पैकेट से वॉल पुट्टी को किसी खाली बॉक्स में डाल लूँगी, ताकि मुझे स्पून से इसे निकालने में हेल्प मिले। एंड देन 3 चम्मच मैं वॉल पुट्टी अपने एम्प्टी कंटेनर में डाल दूँगी। सेम इसी स्पून से हम फेविकॉल भी डालेंगे। हमारा जो मेजरिंग स्पून है वो सेम ही रहना चाहिए, और इसका प्रोपोर्शन जो होगा वो 1:1 होगा, मतलब जितना हम वॉल पुट्टी इसमें डालेंगे उतनी ही क्वांटिटी में फेविकॉल भी डालना है। अगर हम 2 स्पून वॉल पुट्टी की डाल रहे हैं तो हमें 2 स्पून ही फेविकॉल की डालनी है। और फेविकॉल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से। मिक्स करने के बाद मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, क्योंकि मेरा जो फेविकॉल था वो थोड़ा सा थिक फॉर्म में था, इसलिए मैं यहाँ पे 1/2 स्पून के नीचे पानी डाल रही हूँ और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देन मैं इसमें डालूँगी वाइट एक्रेलिक कलर, ताकि हमारे जैस्मिन अच्छा सा टेक्स्चर और शेड आए। आप वाइट की जगह पर ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ब्लैक जैस्मिन भी यूज़ करते हैं। और फिर से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो कंसिस्टेंसी है जैसो की वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से पानी और एक्रेलिक कलर का अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा जैसो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इस पर लेबलिंग कर लेंगे। सो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं 3D आउटलाइनर। 3D आउटलाइनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेविकॉल, बेबी पाउडर। आप बेबी पाउडर की जगह कोई भी टेलकम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कुछ एक्रेलिक कलर्स, मेजरिंग स्पून और कोड बनाने के लिए ये प्लास्टिक शीट। ये जो प्लास्टिक शीट है वो हमारी ड्रेसिंग में पैकिंग में यूज़ होती है, सेम वही शीट मैंने यूज़ की है। और मिक्स करने के लिए एक कंटेनर। अब इस कंटेनर में मैं 1 चम्मच बेबी पाउडर डालूँगी एंड देन इसी मेजरिंग स्पून से मैं 1 चम्मच इसमें फेविकॉल डालूँगी। इसको हम आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा रनी भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा थिक अगर ये होगी तो हमारी कौन से बाहर निकलेगी नहीं, अगर ज़्यादा रनी होगी तो जो हमारा क्राफ्ट है बेस का वो ख़राब हो सकता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा एक्रेलिक कलर। आप अपने हिसाब से भी एक्रेलिक कलर का अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डार्क शेड चाहिए तो आप कलर का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए, इसलिए मैंने जो कलर का अमाउंट है थोड़ा कम ही रखा है। देन हम इसको कोन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने कोन के नीचे एक बॉटल लगाई है, ताकि हमारा जो पेस्ट है 3D कोन का वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए। एंड देन जैसे हम मेहंदी कोन्स को बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी इसके अंदर ट्रांसफ़र करके और ऊपर से हम फोल्ड करके इसमें टेपिंग कर देंगे और अच्छे से इसको सिक्योर कर देंगे इसके एंड्स को, ताकि हमारा जो पेस्ट है 3D कोन का वो बाहर ना निकले। सो हमारी ये रेड कलर की 3D कोन जो है वो भी हमारी तैयार हो गई है। सेम इसी तरीके से मैंने ग्रीन कलर का 3D आउटलाइनर भी बनाया है, इसको भी हम सेम इसी प्रोसेस से कोन में ट्रांसफ़र कर देंगे और ऊपर से फोल्ड करके इसकी भी हम टेपिंग कर देंगे। सो इस तरीके से हमारी 2 3D आउटलाइनर हमने तैयार कर ली हैं। सेम इसी प्रोसेस से आप जिस भी कलर का आउटलाइनर बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। और इसमें मैंने अमाउंट को थोड़ा कम रखा है 3D कोन के लिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट का 3D कोन चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जितने अमाउंट में हमने पाउडर लिया है सेम उसी अमाउंट में हमें
फेविकॉल लेना है। तो विद इन 5 मिनट एंड अंडर 10 रुपीज बजट हमारी दोनों आर्ट क्राफ्ट सप्लाईज बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये इस तरीके का कार्डबोर्ड पीस। इस जैसे को हम किसी भी MDF बोर्ड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक बॉटल या फिर ग्लास बॉटल में इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है सिंगल स्ट्रोक में ही। मुझे नहीं लगता सेकेंड स्ट्रोक की नीड भी होगी। और इस जैसे की सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हम इसको यूज़ करेंगे हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लगती है, हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ट्राई करते हैं 3D कोन। और इस 3D कोन की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही स्मूथ ये हमारी कोन चल रही है। जो भी हम डिज़ाइन इसे ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो इजीली ड्रॉ हो रहा है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बिल्कुल मार्केट वाली से फिनिशिंग आ रही है। मुझे तो ये वाली कोन ज़्यादा अच्छी लग रही है मार्केट वाली से। इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो हर आर्ट क्राफ्ट लवर के पास अवेलेबल होता ही है, और सेकंड ये हमारे बजट के अंदर है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।